क्या हुआ मैडम, कहाँ जाएंगी? कैब बुक कर रही हैं या कैब बुक नहीं होती, रिक्शा ही चलते हैं क्या? पर मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ भैया। हाँ, कहाँ जाना है वैसे आपको? आओ मैं छोड़ दूँ। कुतुब मीनार चलोगे? आइए बैठिए। चलो भैया, ये कहाँ रोक दिए? तो कोई जंगल जैसा एरिया लग रहा है। अरे मैडम, यही मेरा घर है, टिफिन लेने जाना है, बहुत जोर से भूख लगी है, सोचा कि आपको वहीं छोड़कर उधर ही खाना खा लूंगा, वापस आना नहीं पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा आपको? 5 मिनट बस, गया बताया। ठीक है भैया, बट प्लीज जल्दी आना, मैं पहले से लेट हूँ। हाँ बस अभी आया। हाँ सुन मेरी बात ध्यान से सुन, एक लड़की लेकर आ रहा हूँ जंगल के रास्ते से, मालदार पार्टी है और उसके पास बड़ा बैग भी है, तो तैयार है। ठीक ओके। एक मिनट भैया, आप टिफिन लेने गए थे ना, टिफिन कहाँ है? अरे मैडम, वो मेरी बीवी ने सोचा कि मैं खाना लेने ही नहीं आऊंगा, इसलिए उसने खाना ही नहीं बनाया। अच्छा चले मैडम। हाँ चलो। भैया हम सही रास्ते तो जा रहे हैं ना? हाँ मैडम बिल्कुल सही रास्ता है। जंगल के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, और इतनी देर से हम जंगल वाले रास्ते पे ही चल रहे हैं। मैडम आप चिंता मत करो, वो क्या है ना कि रोड के रास्ते पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं आपको इस रोड से लेकर आ रहा हूँ। भैया ये रास्ता गलत है, मैं आपको तो कुतुब मीनार के रास्ते पीछे वाली सड़क से दिखा रहे हैं। आप रुको। अरे मैडम रास्ता यही है, आपका मैप आपको गलत बता रहा है, मैं हर रोज यहाँ से जाता हूँ, आप चिंता ना करें, आपको मैं सही सलामत कुतुब मीनार छोड़ दूंगा। रोको भैया। मैडम आप ये पैसे पकड़ो, मैं चली जाऊंगी। मैडम आप मेरी बात तो सुनिए, अचानक से क्या हो गया मैडम, ये रास्ता बिल्कुल सही है, आप मेरे साथ चलिए, कहाँ अकेले जंगल के रास्ते से जाएंगी आप? भैया मैं चली जाऊंगी। मैडम की तो रख। क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ तुझे मैं। चाको पीछे। चुप, जब से चै 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 लगा रखी है, तेरा रमा ना खत्म होने वाला नहीं है, समझी? मैं चला, अपने आपको ज्यादा होशियार समझती है, सारा माल निकाल दे। मेरा फोन तुझे बोला बोल बता दूं? नहीं पेट नहीं, नहीं 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 माल दे सारा, मैं दे रही, सारा माल निकाल के दे, चलती दे, पर्स में दिखा क्या क्या। चोरी करता है, अकेला समझ के कमजोर समझ रहा था।
अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।